अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप सब भी अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ खाना पका रही हूँ। आज मेरा लंच प्रिपेयर होता है। फैज़ान तो स्कूल चल गया है, वो आए तक मैं तो खाना साला पका को उसके वास्ते रेडी रखना। वो आके ना खाना खा को फिर से स्कूल चला जाता। आज मैं करी पकाने वाली हूँ, आलू और टमाटे का करी। बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है, मेरे बच्चे को भी बहुत अच्छा, राजी सी खाता है फरहान और फैज़ान। मैं ना टमाटे को स्मेल देखकर उसका अच्छा है या नहीं है मैं गेस करती हूँ। मुझे तो ना टमाटर देखते हुए अच्छा दिखता है, लेकिन उसका स्मेल थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो इसके वास्ते मैं स्मेल देखो, उसका स्मेल थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा दिखता है ना, तो मैं वो फेंक देती हूँ। अच्छे टमाटे रखती हूँ। तो ये मेरा कुकिंग का थोड़ा सा अलग ही मॉडल है। मैं तो हाँ वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ। एक हरी मिर्च कट कर ली और दो आलू, एक प्याज की छोटी सी डली और चार टमाटे कट करी। दो आलू करी के वास्ते बराबर जाते हैं। मैं तो थ्री मेंबर्स के वास्ते साला पकाती हूँ। फैज़ान के अब्बू आज लंच को आते नहीं, वो बाहर ही खा लेते, उसके वास्ते दो आलू हमें बस हो जाते हैं। मुझे ना ये साला बहुत पसंद है, इसे ना चपाती में भी खाने का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो फरहान तो घर में ही पढ़ता है, फैज़ान स्कूल जाता है। फरहान को मैं स्कूल नहीं भिजाई, और भी फैज़ान भी विदाउट यूनिफॉर्म स्कूल जाता है। आजकल ना थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, स्कूल कब बंद हो जाते ये किसी भी मालूम होता नहीं। तो ये है कि दो महीने में स्कूल बंद हो जाते हैं, ये रूमर चलता है ना। तो इसके वास्ते मैं बच्चे को यूनिफॉर्म भी नहीं प्रोवाइड करी कहीं के। तो दो महीने में स्कूल क्लोज़ हो जाता है ये बोलते हैं ना, तो वो छोटा हो जाता है और स्कूल भी चेंज करने का मन है। तो इसके वास्ते मैं यूनिफॉर्म नहीं मोलिम, वो तो विदाउट यूनिफॉर्म स्कूल चला जाता है नॉर्मल ड्रेस पहन के। तो फरहान तो ना घर में ही पढ़ता है, मेरे पास पढ़ता है, वो बहुत लॉन्ग है उसका स्कूल, वो भी 2 मंथ्स के वास्ते। तो मैं स्कूल में डालना फरहान को पसंद नहीं कर रही हूँ, तो इसके वास्ते मैं फरहान को घर में मैच पढ़ाती हूँ। ये कटर तो मैं घर के पास आते जो सेल्समैन्स होते हैं उनाकन मोलिम, बहुत अच्छा है, इसका कटिंग भी बहुत अच्छा होता है और इसको वॉश करना भी बहुत आसान है, बहुत अच्छे से वॉश हो जाता है। तो ये फिक्स करना ही थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा, लेकिन बहुत अच्छा से फाइन चॉप हो जाता है ये। तो आप में से कई सारे लोग इसे बनाते होंगे, तो भी मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम है, तो इसके वास्ते मैं ये दिखलाती हूँ। बहुत अच्छे से अच्छा कटिंग हो जाता है, लेकिन प्याज तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, मेरे हस्बैंड को वैसा पसंद नहीं आया। तो मैंने टमाटर कट करी इसमें, बहुत अच्छे से फाइन चॉप हो जाता है। जो भी लोग इसे लेने का सोचते हैं तो हैप्पीली ले लीजिए, बहुत अच्छा है, चॉपिंग अच्छा जल्दी हो जाता है और वॉश भी बहुत जल्दी आसानी से हो जाता है। ये तो घर के पास आया था ना, तो इसका रेट हुआ कि 180 रुपीज़ को मिला था ये मुझे। मैं इसे ऑनलाइन में चेक करी तो ये मुझे 250 वैसा आने को है, लेकिन ये घर में घर के पास आको जो सेल्समैन बेचते हैं उनका लीम, तो मुझे ये 180 रुपीज़ को पड़ा। तो मुझे लगा कि बहुत सस्ते में आया है ये। यहाँ पे तो मैं साला पकाती हूँ। स्टोव पर कढ़ी रख ली और उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाली, और जो हरी मिर्च और प्याज आलू कट कर को रख ली वो उसमें डालती हूँ। इसे ना थोड़ी देर हमें जो बांस कच्चा बांस होता है प्याज का और आलू का वो जाने तक हमें अच्छे से फ्राई कर लेना। आप प्लीज़ जो साउंड पीछे आता है उसे इग्नोर कर लेना, क्योंकि जो आइस वाला है ना अभी जाता है, तो थोड़ा सा इग्नोर कर देना, मेरी बात पे ही ध्यान देना। तो मैं इसे अच्छे से भून ली, अच्छे से फ्राई हो गया है ये। आज मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, आज तो करंट भी चल गया है, तो अंधेरे में जो वेंटिलेशन आता है वैसा है, तो भी अंधेरे में आज पकवान पकाया जाता है और वीडियो भी बनाया जाता है। होप आप सबको अच्छा लगेगा।
वीडियो बनाना स्टार्ट करी तो करंट भी चल गया, तो फ़ोन का जो टॉर्च लाइट है वो डाल को मैं आपको वीडियो बनाती हूँ, होप यू अंडरस्टैंड। तो थोड़ा सा अच्छा ही दिखता है, उतना बैड भी नहीं है। तो यहाँ फ्राई कर ली आलू को, और मैं मेरा खाना भी पक गया है, अच्छे से आलू तले गए हैं, आलू और प्याज अच्छे से तले गए हैं। अब मैं जो चॉप कर ली वो टमाटे इसमें डालती हूँ, इसे भी ना अच्छे से 2 मिनट्स के वास्ते फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें मिर्ची और हल्दी और नमक अपने अपने हिसाब से डाल लेना, मेरे घर में तो आप जानते ही है मिर्ची बहुत खाते हैं, तो उसके वास्ते मैं ज़रा बहुत मिर्ची डालती हूँ। तो देखना आप इस तरह अच्छे से आलू और टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लेना, जो भी है हम इसे नमक मिर्च के बिना फ्राई करते हैं ना, तो अच्छे से ये टेक्सचर सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम इसमें नमक मिर्च ऐड करना है। नमक मिर्ची जब भी डालते हैं ना उसे अच्छे से फ्राई होना है, तो इस तरह फ्राई होने के बाद मैं इसमें ना थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर लेती हूँ, मुझे तो साला ग्रेवी ग्रेवी होना, तो इसके वास्ते मैं 1 ग्लास ऑफ वाटर को मैं इसमें ऐड करती हूँ। अब मैं इसे 5 मिनट्स के वास्ते अच्छे से ढक्कन डाल को पकाती हूँ। जो आलू है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाना, टमाटर है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए, आलू तो जल्दी गल जाता है, इसमें थोड़ा कोई भी टेंशन बात नहीं। तो जो फ्लेवर है ना हमें टिक वाला होना है, तो इसके वास्ते मैं इसमें टिक कंटेस्टेंसी आने तक मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। करंजी है, करंजिया को मैक्सिमम 1.5 आवर हो गया है जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करी, जब बीच करंट चल गया, तो अब तो टाइम 12:30 हो गया है, हो आधे देखना। तो फैज़ान का आने का टाइम भी हो गया है, फैज़ान आता और खाना खा ले को उसे मैं इधर को स्कूल को छोड़ कर आ जाती हूँ। तो काफ़ी काम है, अब करंट भी नहीं है, तो साला पकने के बाद फिर से हम मिलेंगे। और ये साला है ना जो आलू और टमाटर का साला, इसे ना चपाती में या फिर खाने में बहुत अच्छे से खा जाता है, बहुत टेस्टी होता है और क्विक पक जाता है। आज तो मेरा काम बहुत देर हो गया था, तो इसलिए मैं आलू और टमाटर का साला पकाती हूँ, बहुत टेस्टी होता है, चपाती में भी बहुत अच्छा होता है, आप ज़रूर ट्राई कर रही है ना। तो फैज़ान को लाने के वास्ते जाना है और फिर मिलेंगे। जो करी है अच्छे से गाढ़ी हो गई है, अब मैं इसमें थोड़ा सा कोथिंबीर डालती हूँ जो कि कोरिएंडर लीफ है, इसे अच्छे से सिम पर 2 मिनट के वास्ते आप पकाकर इसे उतार लेना। इसमें कोई भी मसाले की ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे विदाउट गरम मसाला ही बहुत पसंद है। ये तो सादा सीधा सब्जी है जिसे कोई भी किसी भी इंग्रेडिएंट के बिना पका सकते हैं, हल्दी नमक मिर्च और वेजिटेबल्स है तो काफ़ी हो जाता है, कुछ अलग से हमें इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, आप ज़रूर ट्राई करिए ना। तो फैज़ान आ गया है और करंट भी आ गई है हमारे घर में। तो समझ गए
कल तो ये होमवर्क भी कराया, खेलते रहा पूरा शाम को, पूरा खेलते रहा। मिस मारे नहीं करते, सभा देखना, सभा फैजान को मिस क्या करते करते सभा देखना। फैजान को हर एक रोज में खाने में घी डालती है तो देखना उसका स्टैमिना बहुत कम है। तो फरहान को फैजान को रोज को मैं घी खिलाती, 2 or 3 spoons का कन्फर्म है ना, रोज को घी खिलाती मैं। स्किन भी अच्छा रहता है इसके वजह से, बच्चों के बोन में भी बहुत अच्छा सा स्टैमिना आ जाता है। इससे वेट बढ़ते नहीं लेकिन बच्चों को अच्छा स्टैमिना आ जाता। बचपन से भी बच्चा को ना स्वीट और हॉट या मिर्ची खाने की आदत डालना चाहिए। थोड़े लोग कहते हैं कि बच्चे स्वीट नहीं खाते या फिर स्पाइसी फूड नहीं खाते, फरहान को तो स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से खाता है। फैजान तो स्पाइसी उतना लाइक नहीं करता, लाइक नहीं करता, स्वीट बॉय है। छोटे स्टम्प 11 months तक कुल महीना को सेपरेट हमें खाना पका हुआ खिलाती हूँ। सो जो चावल और मूंग की दाल या फिर तुअर की दाल, काजू बादाम और थोड़ा सा किशमिश भी डाल को ग्राइंड को लाइट होने भून को उसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। सो वो खाना पका को मैं बच्चों को खिलाती हूँ। सो उसमें जो भी करी पकता है घर में या फिर दाल पकते या कोई भी करी बच्चे खा सकते हैं उसी हिसाब से मैं वो करी ऐड करके खिलाती हूँ। सो ना को छोटे छोटे से हर एक करी का फ्लेवर ना को मालूम होता है। हम जब तक ये बड़े हो जाते हैं उन्हें हर एक साल हर एक का फ्लेवर मालूम होता है। तो ऐसा करने से ना बच्चे बहुत जल्दी हमारे फूड को, हमारे रूटीन लाइफ को आदत पड़ जाते हैं। तो आप भी ट्राई करिए ना, न्यूली मदर जो भी होते हैं उनके बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा आफ्टर 11 months, मैं 6 months से ही यहाँ को खाना खा लाना आदत डाली मदर फीडिंग में होता है। सो और थोड़ा सा छोटा बिस्किट या फिर कुछ खाने को देना, इडली ऐसे जो छोटे जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है उस हिसाब से मैं इनको फूड प्रोवाइड करती हूँ। सो मैं मदर फीडिंग भी कंटिन्यू होता। सो वैसे 11 months आने के बाद ना इनको रूटीन लाइफ घर में जो भी पकता है, चिकन या फिर मटन जो भी पकता है, मैं उनको आदत डाली। उनके बॉडी को ना जल्दी, बच्चे ऐसे होते हैं उनके बॉडी को हम जो भी देते हैं उन्हें आदत डालने में थोड़ा सा वक्त लगता है। माशाल्लाह मेरे बच्चे दोनों भी जल्दी जो भी घर में पकता है उस एटमॉस्फेयर में ढल जाते। सो उनको हर किस्म का खाना आदत पड़ गया। फैजान को थोड़ा सा बचपन में प्रॉब्लम हुआ लेकिन फरहान को तो डाइजेशन माशाल्लाह अच्छे से हो गया था। तो फैजान अभी भी छोटा बच्चा है। सीधा बैठो फैजान, बहुत बातें करता है फैजान और फरहान तो बहुत बातें करते हैं। आजकल ये घर में मई है ना तो वीडियो बनाती हैं, इसके बाद से बात नहीं करते हैं, यानी फिर बहुत अच्छे से बात हो जाती है ना। तो फैजान तो खाना खाने को स्कूल को चल गया है। ये क्लिप तो लास्ट संडे का है जब मेरे सास आए थे। मेरे सास जब भी आते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर देते हैं मुझे, जो मैं आप जानते ही है मेरे घर में तो पलू या फिर नॉनवेज बहुत अच्छा बहुत बार पकता है। तो इसके बाद से मसाले मेरे सास बना कर जाते हैं। मेरे घर में ना अम्मी आओ अब मेरे सास आओ तो मुझे काम बहुत कम हो जाता है, ये दोनों ना मेरा काम पूरा कर डालते। मुझे तो मेरे सास आए तो भी क्या, मेरे अम्मी आए तो भी क्या, काम ही छता नहीं, बहुत अच्छे से मेरा काम पूरा उन लोग दोनों संभाल लेते। तो मेरे सास कहते हैं मैं तो फ्रेश भी हुई नहीं, तुम कई को वीडियो काटते हैं कोको। तो थोड़ा सा उनका जो अंदाज है काम करने का वो मुझे आपको दिखाना चाहती हूँ। एक छोटा सा ना फोटोशूट भी कर ले हैं हम, तो थोड़े से फोटोज आपके लिए देखना ज़रूर।
शाम हो गया है, मैं कॉर्न का जो चाट होता है वो बनाती हूँ। ये स्वीट कॉर्न है, ये पूरा कॉर्न खुला नहीं है, तो ये तो भुट्टे के साथ आया है, तो मैं इसे अच्छे से उबाल को जो कॉर्न से उसे छुरी से कट कर ली। तो अब इसमें ना थोड़ा सा मिर्ची और थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ, और इसमें ना आधा चकला नींबू भी ऐड कर लेने से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आपके पास बटर है ना तो वो भी ऐड कर लेना, मेरे पास बटर नहीं है तो इसके वास्ते मैं बटर ऐड नहीं करी। बहुत पसंद आया है फैज़ान को, तो सही बोलना तो ये देखते ही बहुत यम्मी दिखता है। तो स्क्वीज़ कर लिया है मैंने मेरा नींबू, अब तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। बाहर तो ये कॉर्न चाट का कप एक 20 रुपीज़ तक उन पड़ता, लेकिन मैं तो 40 रुपीज़ में 4-5 कप्स तक आ जाते हैं, तो बहुत अच्छे से यम्मी यम्मी था। फैज़ान को तो बहुत पसंद आया, और कॉर्न भी बहुत बच्चे के वो फेवरेट होते हैं, तो इवनिंग का स्नैक्स बनता है, अच्छे से बन गया है। मैं तो हाँ फरहान फैज़ान को सर्व कर डाली, बहुत पसंद आया फैज़ान को, तो फैज़ान स्कूल से आ गया है और फ्रेश हो गया है, तो फैज़ान को ना बहुत पसंद आया है। फरहान को भी बहुत अच्छा पसंद पड़ा। मेरे बच्चे को स्नैक्स इवनिंग तो कंफर्म होना है, उनको घर का स्नैक्स तो बहुत पसंद है, तो इसके वास्ते फैज़ान तो बहुत एंजॉय करते करते अपना स्नैक्स पूरा कर लिया। अब इसको तो होमवर्क कराना है, फरहान तो एज यूजुअल ट्यूशन भी चला जाता है खा लेने के बाद। अगर आपको पसंद आया तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर लेना, मैं ऐड करी में है लेकिन मुझे याद आया नहीं है इसमें चाट मसाले का। वैसे भी फैज़ान को थोड़ा सा मसाले से इतनी प्यार नहीं है, तो इसके वास्ते मैं हल्का ही मिर्च भी बहुत कम डाल को बनाई, बहुत अच्छे से एंजॉय करते उन्हों का इवनिंग स्नैक टाइम हो गया है। तो कभी अलविदा मत कहना, कल के वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।